नमस्कार, मैं हूं ताजा अपडेट के साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आप अपने अपने क्षेत्रों की ताजा खबरें देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ के नेहरू हॉल में 2021-22 के समावेश बजट का गोष्ठी हुई है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बताया कि 2021-22 के समावेशी बजट में वित्त मंत्री ने सभी वर्गों को लेकर यह बजट बनाया है, जिससे सभी का फायदा होगा। आज़ादी के बाद यह ऐसा बजट पहली बार आया है जिसमें किसान, मजदूर, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित सभी पर इस बजट में ध्यान दिया गया है, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस बजट में सरकार की सभी योजनाओं के बारे में सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों को इसके बारे में जानकारी दें। उन्होंने कहा कि इस बजट की विपक्ष भी तारीफ कर रहा है। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम आजमगढ़ के नेहरू हॉल में भाजपा की तरफ से आजमगढ़ व लालगंज द्वारा एक संयुक्त संगोष्ठी आज की गई है। कार्यक्रम में ध्रुव सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष, लालगंज जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय, प्रदेश सरकार के मंत्री व लालगंज के प्रभारी मंत्री शकुंतला चौहान, वरिष्ठ भाजपा नेता सहजानंद राय, अरविंद जायसवाल मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन विनोद ने किया। आइए सुनाते हैं कि नीरज शेखर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा। अभी दो दिन पहले हम लोग का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जितने राज्यसभा के नए सांसद थे उनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कक्ष में बुलाया और हम लोग से बातचीत की और भविष्य के बारे में क्या करना चाहिए एक सांसद को उन्होंने बताया। एक टिप्पणी उन्होंने जो की थी मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ, और ये संगोष्ठी क्यों की जा रही है ये प्रधानमंत्री जी हम लोग ने को बताया। प्रधानमंत्री जी ने कहा है जो हम लोग काम कर रहे हैं पिछले 6 सालों में, हम लोग का जो उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए हम लोग उतना नहीं कर पा रहे। उन्होंने कई बातें कही, मैं उसको नहीं दोहराऊंगा, लेकिन जो बात उन्होंने विशेष कर कही, जो आदरणीय पटेल जी ने कही कि हम लोग जहां भी बैठे हम लोग के ना केवल इस बजट की बात, जो भी कार्यक्रम है, उज्ज्वला है, किसान सम्मान निधि है, जो भी कार्यक्रम हमारे हैं, हम लोग जहां भी बैठे हैं उसके बारे में जरूर चर्चा करें, क्योंकि सारे कार्यक्रम समाज को और समाज के जो लोग हैं, विशेषकर किसान, मजदूर, नौजवान, इनको आगे बढ़ाने वाले कार्यक्रम, और इसकी प्रशंसा केवल हम लोग के देश में नहीं हो रही, पूरे विश्व भर में हो रही है। उज्ज्वला जैसी योजना कहने में छोटा है कि 8 करोड़ हमारी माताएं बहनों को गैस सिलेंडर अब 12 करोड़ हो गया है मिल रहा है, ये कोई छोटी योजना नहीं है। इस विश्व में ऐसे बहुत कम देश होंगे जिनकी आबादी 12 करोड़ होगी, तो ये बहुत बड़ी और बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं। तो जहां हम लोग बैठे अपनी इन योजनाओं के बारे में जरूर कहें, और प्रधानमंत्री जी की मेरे को लगता थी ये इच्छा थी इसलिए हम लोग से अपनी बात कह रहे। तो और बड़ी जैसे उन्होंने कहा उनको इस बात का दुख है कि हम लोग ये बात ठीक से लोगों तक नहीं पहुंचाते, तो मुझे लगा कि ये बात आप लोग के बीच जरूर कहनी चाहिए। और जहां तक इस बजट